उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किल बढ़ सकती है। एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति की गिरफ्तारी के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा है कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदम्बरम से 18 सितंबर तक जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि कार्ति चिदम्बरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की पूछताछ में वो सवालों पर चिढ़ते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बेसिर पैर की बातें कर जांच भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा कि जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाने पर कार्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई थी, वो उसे पूरा नहीं कर रहे। उधर दिल्ली की अदालत ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को 8 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अब इस पर खबर समझिए, एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम क्यों फंसे? तो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 3,500 करोड़ रुपए की एयरसेल मैक्सिस डील की जांच कर रहे हैं और साल 2006 में मलेशियाई कंपनी मैक्सिस भारतीय मोबाइल कंपनी एयरसेल में 100% हिस्सेदारी ली थी और इस डील को FIPB यानी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने कैबिनेट कमेटी की मंजूरी लिए बगैर मुहर लगा दी थी। इस पर अब आरोप है कि तब वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने इस डील पर मुहर लगाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक इस डील के लिए मैक्सिस कंपनी ने कार्ति चिदम्बरम को फायदा पहुंचाया था।